हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। भूख हड़ताल पर बैठे सीएनजी टेम्पो वर्कर्स एसोसिएशन ने सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। इसके माध्यम से कहा गया कि प्रदेशों में टेम्पो की आयु 15 साल तक परिवहन विभाग द्वारा की गई है, लेकिन मुरादाबाद में परिवहन विभाग द्वारा टेम्पो की आयु 10 वर्षीय कर रखी है, जबकि शासन से आदेश भी आ चुका है कि टेम्पो की आयु 15 वर्ष की जाए, लेकिन यहां का परिवहन विभाग टेम्पो की आयु नहीं बढ़ा रहा है। क्या नाम है आपका और कौन सी भूख हड़ताल पे बैठे हैं आज? मेरा नाम कपिल कुमार त्यागी है, हम सीएनजी ऑटो चालक आज यहां पे मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में भूख हड़ताल पे मेरे साथ लोग भूख हड़ताल के बाकी ये सारे लोग हमारे सहयोगी हैं, साथी हमारे ऑटो चालक। ये क्या उसमें हड़ताल की क्या मुद्दा बैठा है? मुद्दा क्या असल में हमारी बहुत परेशानी तो कई है, लेकिन मुख्य मांगे जो हैं हमारी वो ये है कि हम लोग 5-6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुरादाबाद के अंदर सीएनजी ऑटो रिक्शा जो चले थे वो 2008-09 से चले थे, ज़्यादातर ऑटो रिक्शा शुरू के 2009 के, और ये इसकी पहले आयु 7 वर्ष थी, उसके बाद में बढ़ के 10 वर्ष हो गई थी, और अब 15 दिसंबर 2016 को इसकी आयु बढ़ा करके राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 15 वर्ष कर दिए। यानी 3 साल पहले 15 वर्ष राज्य परिवहन प्राधिकरण 3 साल पहले बढ़ा दी, जो बाकी जिलों में लागू है, लेकिन एक मुरादाबाद जिला ऐसा है जहाँ सीएनजी होते हुए ये अभी आयु इसकी 10 वर्ष है, और हम 5-6 महीने लगातार से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी लोग हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं है, और इसकी पहली मांग तो हमारी यही है कि इसे 10 से बढ़ाकर 15 साल की जाए, क्योंकि हमारे लोगों के कागजों की वैधता समाप्त हो गई है, इसलिए हम ना गाड़ी चला पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। और दूसरी हमारी ये है कि ऑटो रिक्शा जो बिक जाती है उनकी गाड़ियों के परमिट और गाड़ियाँ तुरंत ट्रांसफर कर दी जाती है, मेरे पास मान लो इन्होंने व्यक्ति मैंने खरीदी तो इनके नाम से मेरे नाम तुरंत आ जाने की उपलब्ध हो जाती है, इन्होंने एफिडेविट दे दिया, मैंने एफिडेविट दे दिया, वो आरटीओ विभाग उसका सालों लगा देता है, वो परमिट ट्रांसफर नहीं होते हैं, गाड़ी ट्रांसफर नहीं होती है, और इसे लेकर के जिसके नाम होती है बहुत से लोग बेईमान हो जाते हैं बाद में, वो फिर बाद में कभी कुछ कहने लगे, अगर गाड़ी मांगते हैं पैसा मांगते हैं, बाद में लोग बेईमान हो जाते हैं आजकल कलयुग है। तीसरी मांग हमारी है कि ऑटो रिक्शा का जो परमिट दिया गया था हमें 2008-09 में वो 16 किलोमीटर की त्रिज्या का दिया गया था, जिसे कभी रूट के में डिवाइड कर दिया जाता है, कभी जोन में डिवाइड कर दिया जाता है, ये ना जोन में ना रूट में, हमें 16 किलोमीटर की त्रिज्या का ही परमिट जो हमें पहले से दिया गया था वही रहना चाहिए हमारा। और बाकी ये है कि क्योंकि अब हमारे कागजों की वैधता समाप्त हो गई है, तो अब अगर 15 साल आयु बढ़ती है हो जाती है जब, तो हम लोग जब आरटीओ पे जाएंगे तो हमको ये कहा जाएगा कि आपके 6 महीने लेट हो गए, 4 महीने लेट हो गए, कोई 2 महीने लेट हो गए, तो कि उसके लेट फीस जुर्माना लगाया जाएगा, हम पे पेनल्टी उसकी पड़ेगी, इसलिए हम पे कोई किसी भी तरह की कोई, क्योंकि ये प्रशासन के कारण हम लोग लेट हुए हैं, हम लोग तो 6 महीने पहले से इस काम को करवा रहे थे, तो ये हम पे कोई किसी तरह की लेट फीस ना लगाई जाए, इसी बात इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे। हमने मंडलायुक्त महोदय, डीएम महोदय, आरटीओ महोदय, परिवहन आयुक्त लखनऊ, मुख्यमंत्री, मुरादाबाद जिले के प्रभारी मंत्री, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री, सब लोगों को हमने ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को भी हम इसकी रजिस्ट्री भेज चुके हैं अगस्त के महीने।